बच्चों, आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में स्वागत है आपका। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी, कक्षा 6 है, पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने भाषा तो नहीं पढ़ाया किया था, सिर्फ हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, व्यक्ति, कविता, कहानी, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। बच्चों, तो आज हम लोग भाषा करने वाले हैं। यह हमारा ग्रामर का पहला क्लास हुआ बच्चों, ठीक है। आज हम लोग भाषा करेंगे, तो आप लोग भी अपनी ग्रामर की पुस्तक निकाल लीजिए, पार्ट 1 करने वाले हैं। पार्ट है हमारा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं, अर्थात दूसरे की बातों को जानने की कोशिश करते हैं, तो यही है भाषा। भाषा का आदान प्रदान होता है, तभी हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। बहुत सारे रूप हैं एक दूसरे से बात करने के, है ना। जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं तो कभी हम लोग हिंदी भाषा के बजाय अंग्रेजी में बात करते हैं, कोई बंगला में बात करते हैं, कोई गुजराती, कोई मराठी, तो ये हुआ हमारा लिपि। और व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण जैसे कि किसी वाक्य को कितना शुद्ध हम लोग लिख सकते हैं, व्याकरण की संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। और एक है बोली, तो मैं बता दूंगी बोली, जैसे कि हर क्षेत्र की अपनी एक स्थानीय बोली होती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया, तो हम लोग इसको विस्तार रूप से अभी पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा आपको बताया है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा। पहला पॉइंट है हमारा भाषा, अपने मन के भावों तथा विचारों को व्यक्त करने और दूसरे के मन के भावों तथा विचारों को जानने का माध्यम है भाषा, इसे हम भाषा कहते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, पुस्तक के माध्यम से हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हाँ बिल्कुल, हम लोग एक समाज में रहते हैं, हम लोग समाज से कटकर नहीं रह सकते हैं। वह अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का सहारा लेता है, हाँ बिल्कुल। जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं, आप भी आके मुझसे बात करेंगे तो किस माध्यम से आप बात करना चाहेंगे? भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जैसे मैं जो मैं आपकी बातों को समझ सकूंगी। यदि भी कई बार संकेतों के द्वारा भी बात को कहा जाता है, लेकिन प्रत्येक बार संकेतों के द्वारा नहीं बताई जा सकती, यह कार्य केवल भाषा के द्वारा ही हो सकती है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, वहाँ हम लोग चुप्पी साथ देते हैं, तो वहाँ पे संकेत ही हमारे काम आता है, लेकिन इसका हिंदी के अंतर्गत कोई स्थान नहीं मिला है कि सांकेतिक भाषा भी एक भाषा है, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग भी बहुत कम करते हैं, लेकिन करते जरूर है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों को बोलकर तथा लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के विचारों भावों को सुनकर पढ़कर समझता है। तो हम लोगों ने यही अभी जाना बच्चों। तो बहुत सारे रूप हैं भाषा के, दो रूप हैं भाषा के, दो रूप हैं, एक है लिखित, लिखित रूप, दूसरा है मौखिक रूप। यहाँ पे दो रूप के बारे में बता रही हूँ मैं आप लोगों को। लिखित रूप, जैसे कि किसी बात को हम लोग लिख कर बताते हैं कि लिख, जैसे कि मैं ही आप लोगों को गृह कार्य देती हूँ तो आप लोग लिख कर मुझे भेजते हैं, तो वो हुआ भाषा का लिखित रूप। मैं लिखा हुआ आप लोगों का देखती हूँ कि कैसे आप लोगों ने लिखा है। और मौखिक रूप क्या हुआ? जैसे कि हम लोग दूरदर्शन देखते हैं, टीवी देखते हैं, किसी को बात करते हुए सुनते हैं, वहाँ पे कुछ हम लोग किसी प्रकार का पत्र नहीं देखते हैं कि हाँ उस पे लिखा हुआ कुछ है, हम लोग सुनते हैं उस चीज़ को। सुनना विशेष रूप से कहा जाता है मौखिक रूप, वो हमारा मौखिक रूप हुआ। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पुस्तक के माध्यम से मौखिक भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। वह भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने भावों को, विचारों को प्रकट करता है। मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि दूरदर्शन, टीवी हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम, भाषण देना, गीत गाना आदि मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। और लिखित भाषा है जब व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित रूप कहते हैं। पत्र लिखना, ईमेल आदि, यह भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। आप लोग दूसरा पेज पढ़ता है जहाँ पे सांकेतिक रूप के बारे में बताया गया। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि संकेत के द्वारा भी हम अपने बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे कि इशारे में हम लोग कुछ कुछ कहते हैं ना कि हाँ सुना तुमने, देखा, ऐसे हम लोग बहुत सारे अपने हाव भाव के द्वारा, अपने शरीर के अंगों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा हम लोग बताते हैं, आंखों के द्वारा बताते हैं, चेहरे के द्वारा बताते हैं, हंसना रोना भी हम लोग संकेत के माध्यम से बताते हैं।
देखते हैं हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ठीक है। और मातृभाषा यहाँ पे आया है मातृभाषा, एक हम लोग पढ़ेंगे। मातृभाषा के बारे में तो सबसे पहले जो हमारी शिक्षा होती है, जो सबसे पहले हमारी गुरु होती है, वो कौन होती है बच्चों? हमारी माँ होती है। और सबसे पहले जो हम लोग भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा ही सीखते हैं, जो हम लोग माँ के द्वारा अपने परिवार के द्वारा सीखते हैं, तो उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। नाम में ही सारा अर्थ छिपा हुआ है, मातृभाषा, है ना। आप लोग जब शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो खुद ब खुद अर्थ सामने निकल कर आ जाएगा। तो खुद भी आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का अच्छे से, और जहां समझ में ना आए तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। और राज्यभाषा, राज्यभाषा भी है तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यभाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कार्यालयों में होता है, जैसे कि संसद में जिस भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि वो राजकाज की भाषा, जैसे हिंदी राजभाषा है ना, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया कि किस संविधान में किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है। तो राजभाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कार्यालयों में होता है। हिंदी भाषा राजभाषा है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार। अनुच्छेद कौन सा है? 343 के अनुसार भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं बच्चों, इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का रूप सम्मान प्राप्त हुआ था। और हम लोग पढ़ेंगे बोली के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक बोली है, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बोली किसे कहते हैं। बोली जैसे कि हम लोग बंगाल में चले जाएंगे तो हमें वहाँ बंगाली मिलेगी, हम लोग बिहार में चले जाएंगे तो बिहारी भाषा का ज़्यादा प्रचलन होगा, गुजरात में चले जाएंगे तो गुजराती भाषा बोली जाती है, राजस्थान में चले जाएंगे, हरियाणा में चले जाएंगे, सब जगह का स्थानीय भाषा एक अलग होता है, उसे ही बोली कहा जाता है। जो हर जगह हर देश का भाषा एक अपना अलग ही होता है, उसे ही हम लोग बोली कहते हैं। और तीसरा है हमारा लिपि, तो मैं बता देती हूँ लिपि क्या है। देखिए बोली का हम पहले देख लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को हम लोग बोली कहते हैं, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जगह जगह पे डिपेंड करता है, इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बुंदेलखंडी, राजस्थानी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि हिंदी की बोलियां है। और हम लोग लिपि पढ़ेंगे बच्चों, जैसे कि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे कि होता है ना हमारी हिंदी की क्या लिपि है बच्चों? देवनागरी लिपि है। जैसे पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। तो सब जगह का अलग अलग लिपि होता है, लिखने की शैली अलग होती है। जैसे बंगला में हम लोग लिखते हैं तो ये तो हमारा हिंदी है ना, इसे देवनागरी लिपि कहा गया है। इसी तरह हम लोग बंगला में लिखते हैं तो बंगला का सारा स्वर व्यंजन सब अलग होता है, सारा रूप ही अलग होता है, जैसे पंजाबी का अलग होता है। उसी तरह गुजराती का हमारे जैसा ही है, देवनागरी में ही वो लोग भी लिखते हैं, तो वो लिपि के बारे में बताया गया है। तो वही होता है लिपि, मतलब उसका रूप अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, सब जगह का अलग अलग लिपि होता है। तो इसको हम लोग अभी बस परिभाषा तक ही सीमित रखते हैं इस पाठ में। आगे हम लोगों को लगेगा और विस्तार से पढ़ना है तो इसको और हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और है जैसे कि भाषा, भाषा का एक और रूप है व्याकरण, मैं उसे बताती हूँ। यहाँ पे उदाहरण देकर बताया गया है बच्चों, मैं बताती हूँ। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। जैसे कि भाषा कहाँ अशुद्धि है, कहाँ शुद्धि, आप लोग अशुद्धि शुद्धि पढ़े होंगे ना, वही बात की गई है यहाँ पे कि इसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। जैसे एक वाक्य में लिखती हूँ, मैं खाना खा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है हम खाना खा रहा हूं, हम खाना खा रहा हूं। यहाँ पे कौन सी अशुद्धि है बच्चों, आप लोग बता पाएंगे? यहाँ पे बहुत सारे अशुद्धि है कि एक अशुद्धि है, कौन सा है? आप लोग वाक्य पढ़ के ही समझ जाएंगे। जैसे मैं खाना खा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वचन बहुवचन का के
की अशुद्धि है। आप लोग समझ जाएंगे पढ़ने के बाद। तो यहाँ क्या होगा, हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, यह हुआ भाषा का शुद्ध रूप, इसे ही व्याकरण कहा जाता है। ये है अशुद्धि, इसे रॉन्ग कहेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है बच्चों। और दूसरा है हमारा, हम खाना खा रहा हूँ, यहाँ होगा मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये हमारा राइट रूप हुआ। यहाँ पे क्या होगा, एक वचन और बहुवचन की जो गलती है उसे हम लोग समझेंगे। यह हुआ आपका व्याकरण, इसे ही हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो ये अशुद्धि के बारे में बताया गया। और यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों आपके पुस्तक में, आप लोग देखिएगा। मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोगों को खुद लिखना है। इसमें से जहाँ भी आप लोगों को लगे कि कुछ मिस्टेक हुआ है बच्चों, जिससे आप लोग नहीं समझ पाए हो, उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। जो जो मैंने समझाया इस एक पार्ट को आप लोग पूरा कीजिएगा, और इस एक पार्ट में जहाँ भी लगे कि आप